हेलो दोस्तों, जय माता रानी की। कैसे हो आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी 8:30 बजे रात की हो रही है और मेरी दीदी आ रखी है। मेरी दीदी आई 7:30 बजे और हम बना रहे हैं आज गाजर का हलवा। तो दीदी को मैंने काम पे लगा रखा है। दीदी कद्दूकस कर रही है गाजर का हलवा, तो दीदी बनाएगी आज गाजर का हलवा और हमें भी खिलाएगी। और मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। तो देखो मैंने ये प्याज काट रखा है और मैं अपनी काम कर रही हूँ और दीदी अपना काम कर रही है। और दीदी आज हमें गाजर का हलवा खिलाएगी। तो मुझे तो बनाना आता नहीं था, मैं कभी बनाती भी नहीं हूँ। तो दीदी को कहा मैंने कि दीदी आज हमारे लिए गाजर का हलवा बना दे, क्योंकि मेरी दीदी बहुत बनाती है देहरादून में। तो आज मेरी दीदी गाजर का हलवा बनाएगी और हम खाएंगे। तो दीदी को देखो मैंने काम पर लगा रखा है, मेहमान भी है लेकिन कोई नहीं, अपने घर पर है और अपनी बहन के साथ ही काम कर रही है, बाहर तो कर नहीं रही। तो क्या करें, अपनी बहन को मैंने काम पर लगा रखा है। तो मैं थोड़ा काम की आलसी हुई, मैं कम काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे थकान लगती है ज़्यादा काम करने में। तो दीदी बनाएगी अब गाजर का हलवा और मैं बनाऊँगी मटर मशरूम। तो देखो मैंने ये गाजर भी छिल रखी, आधा गाजर छिल रखे, आधा कद्दूकस हो रहे। तो मैं लाई 2 किलो गाजर और आधा तो हमने छिल दिए, शायद आधे बचेंगे या तो पूरे ही बना देंगे हम। तो चलो चलते हैं किचन में और किचन में बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में टाइम लगता है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। 8:30 बजे हमारा खाना तैयार हो रहा है, उसके बाद बनते बनते गाजर का हलवा तो टाइम लगेगा। इस कारण हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं। दीदी बनाएगी गाजर का हलवा, मैं बनाऊँगी मटर मशरूम। तो दीदी एक चूल्हे में दीदी लगेगी, एक चूल्हे में मैं लगूँगी। तो दीदी अपना काम और मैं अपना काम, उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी। तो मैं रोटी मैं बनाऊंगी, दीदी से नहीं बनाऊंगी। दीदी सिर्फ गाजर का हलवा बनाएगी, बाकी कुछ नहीं बनाएगी। बाकी सारे काम मैं अपना आप खुद कर लूँगी। ये कद्दूकस कर दी हमने गाजर और ये रखा हमने दूध उबालने। तो अब शुरू करते हैं और मैं यहाँ लहसुन कूट रही हूँ और ये रखे मैंने प्याज और ये रखे मैंने मटर। तो मैं बनाऊँगी मटर मशरूम मशरूम। तो चलो चलते हैं, अब करते हैं शुरू, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम बना रहे दोनों बहने खाना, दीदी बना रही है गाजर का हलवा और मैं बना रही हूँ पनीर मशरूम। तो देखिए टेस्टी कौन होता है, गाजर का हलवा तो टेस्टी है कि मटर पनीर मशरूम होती है टेस्टी। तो दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी। गाजर के हलवा में लगा दी मेरे को, वैसे मुझे लग रहा है गाजर का हलवा होगा टेस्ट। गाजर का हलवा हमने खाया नहीं तो वही टेस्ट होगा, बहुत दिनों से नहीं खाया हमने, बनाते तो हम है नहीं। और शादी पार्टी में तो मैं खाती नहीं हूँ गाजर का हलवा, तो देखती हूँ आज टेस्ट कितना होता है। अरे फिर यू काटे फूल काटे ना, ये अच्छी गए नहीं पता
मीठी मुकना पड़ा ने भी बाद अंदर बाद में आ जाना इसमें बनेगी मशरूम मटर और ये रख दिए हमने गाजर। गाजर भुनेंगे, पहले गाजर को भुनेंगे, उसके बाद डालेंगे दूध, काजू, बादाम और मावा डालेंगे। मावा अभी हमने फ्रिज में रखा है, तो इनको मिक्सी में बारीक से पीस दूंगी। मैं मिक्सी में करती हूँ तैयार। तो दीदी हमारे बेचार दीदी मेहमान भी है, दीदी को काम पे लगा रखा है और मैं बना रही हूँ वीडियो। दीदी बोल रही होगी क्या है, मैं मेहमान हूँ और मुझे काम पे लगा रखा है। ना ना मैं बढ़िया। एक कर दी हमने काजू और बादाम मिक्सी में तैयार। ये पक रहा है गाजर का हलवा। क्या है गाजर हलवा, इसको खूब खिटाएंगे भी, हल्की आंच में इसको खूब खिटाना है। और ये रखा मैंने मटर मशरूम, ये है मटर मशरूम। एक चूल्हे में रखा मैंने मटर मशरूम और एक चूल्हे में रखा मैंने गाजर, तो इसको खूब खिटा के सब करेंगे इसको रेडी। गाजर का सलाद, इनकी दाल भी बची है और भात भी बचा है, रोटियां भी बची है। चलो बन गया ये मशरूम मटर, ये हो गया रेडी। इसको निकालते हैं। बना रही हूँ मैं रोटी, हलवा भी तैयार, रोटी भी तैयार, हलवा भी तैयार, रोटी भी तैयार, रोटी भी तैयार और मटर मशरूम की सब्जी भी तैयार। टाइम है 9:15, 9:15 बजे हमारा खाना तैयार। सौ 9 बजे रोटी की तैयारी, उसके बाद खाना खाने की तैयारी। बन गया गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। मुझे तो चल देर रखती हूँ दोनों बहनें के लिए, खाते हैं, बाकी सबने खा दिया, अब दोनों बहनें खाएंगे। ये है मशरूम, ये है गाजर का हलवा, ये है उड़द की दाल और ये है हरी चटनी।
दोनों बहनों के लिए खाना तैयार, और ये है गाजर का सलाद। तो सब ने खा दिया, हम दोनों बहनें रह रखे, अब हम खाते हैं दोनों बहनें। मैंने दो बार खाई, दो के तीन बार खाया, और कल सुबह भी उठ के गाजर का हलवा खाएगा। मोहन दो कटोरे खाएगा, पहले बच्चों पार्टी ने खाया, फिर खा रहे हम दोनों। पहले मेहमानों को खिलाना था, और लेकिन दीदी ने बोला कि साथ में खाते हैं, तो दीदी में साथ में खा रही। और ये बना रखी थी मैंने हरी चटनी भांग की और लहसुन धनिया, तो बहुत सुंदर ये हरी चटनी है। ये रोटी की अपना बनाया हुआ गाजर खा लो, खा रही मेरे बनाए हुआ नहीं खाए, खा तो जरा बहुत अच्छा। देखो ये बना रखा हलवा, ये देखो गरम गरम टेस्टी हो रहा है। चटनी हो रही सबसे अच्छी, तो चटनी बना रखी थी मैंने सुंदर, और उसमें डाल रखी थी मैंने मूंगफली भांग हरे धनिया हरी मिर्च लहसुन के पत्ते, और मैंने उनको पहले भुना था, मैंने क्या भुना था, मैंने ये भांग भुनी थी, भांग में भुनी थी खूब भून के, तब मैंने उनको पीसा, तो बहुत टेस्ट हो रहा है। इसमें तो सब्जी नहीं भी मिलेगी, चटनी मिल जाएगी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैंने दो बार खाई, दो के तीन बार खाया, और कल सुबह भी उठ के गाजर का हलवा खाएगा। मोहन दो कटोरे खाएगा, ठीक हो रहा है। पहले बच्चों पार्टी ने खाया, फिर खा रहे हम दोनों। पहले मेहमानों को खिलाना था, और लेकिन दीदी ने बोला कि साथ में खाते हैं, तो दीदी में साथ में खा रही। और ये बना रखी थी मैंने हरी चटनी भांग की और लहसुन धनिया, तो बहुत सुंदर ये हरी चटनी है। ये रोटी की अपना बनाया हुआ गाजर खा लो, खा रही मेरे बनाया हुआ नहीं खाए, खा तो जरा मस्त हो रहा, मस्त। चलो दीदी ने तो करी कम से कम तैयार तारीफ, फिर ने तो करी कम से कम तारीफ। चटनी अच्छी हो रही है। तो आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय 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 बाय।